नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एसपीएन 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। भले ही यहाँ पर बिहार में एनडीए और जेडीयू की सरकार बन गई हो, लेकिन अभी भी कुछ नेता हैं जिनको लेकर तमाम चर्चे यहाँ पर सामने आ रहे हैं। बता दें आपको कि यहाँ पर चिराग पासवान, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको लेकर जो खबरें सामने आ रही है, अब चिराग पासवान यहाँ एनडीए जेडीयू का खेल बिगाड़ेंगे क्या? सीट शेयरिंग पर बीजेपी जेडीयू की डील पक्की, चिराग और पारस भी यहां पर सेट होने की खबर तो सामने आ रही है, लेकिन यहां पर चिराग पासवान को लेकर अभी भी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। यहां पर आपको बता दें कि एलजेपी के बिहार मीडिया प्रभारी कुंदन पासवान ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान द्वारा जमुई की जनता से किए वादों को पूरा किया गया। लगभग 1,94,00,000 रुपए की लागत जमुई रेलवे स्टेशन को नया फुटओवर ब्रिज मिला है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर अब ये देखा जा रहा है कि चिराग पासवान यहाँ पर जो है कब दल बदलते नजर आएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर इफ एंड बट का सवाल ही नहीं, पशुपति पारस ने हाजीपुर सीट से ऐलान यहाँ पर कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के हाजीपुर सीट सबसे अधिक चर्चा में है। वजह है पासवान परिवार के दो धड़े का इस सीट से दावा। ताजा घटनाक्रम में केंद्रीय मंत्री यहां पर कह सकते हैं कि एलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस ने एक बार फिर से सीट पर अपना दावा कर दिया। पारस ने स्पष्ट कहा है कि इफ एंड बट का कोई सवाल नहीं होता है, हम हाजीपुर से सांसद हैं, हम सिटिंग हैं और सिटिंग ही रहेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि दूसरी तरफ चिराग पासवान यहाँ अपनी नई नई उम्मीदें लेकर बैठे हैं। अब उनकी उम्मीदें कैसे पूरी होंगी, क्या वो एनडीए के साथ रहने से होंगी या फिर आरजेडी के पास जाने से होंगी, ये देखना यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी होने वाला है। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।